बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनका एक्टिंग से रिश्ता बचपन में ही जुड़ गया था। उन्होंने बचपन में कैमरे से दोस्ती कर ली थी और ऐसी दोस्ती जारी रखी कि इन स्टार्स का जलवा बड़े होने पर भी इंडस्ट्री में बरकरार है। आज हम आपको बॉलीवुड के उन्हीं स्टार्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अब बन गए हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टार। आज बात करते हैं उन्हीं स्टार्स के बारे में जिन्होंने फिल्मी दुनिया में बचपन में ही कदम रख दिए थे। ऋतिक रोशन, बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन का नाम इस लिस्ट में शुमार है। ऋतिक ने बचपन में बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। ऋतिक ने साल 1980 में आई फिल्म आशा में चाइल्ड एक्टर का रोल निभाया था। इसके बाद साल 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में भी उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इस फिल्म में लीड रोल में सुपरस्टार रजनीकांत और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी थी। हालांकि लीड एक्टर के रूप में उन्होंने साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री की। आमिर खान, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं आमिर खान। आमिर ने बचपन में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। साल 1973 में आई फिल्म यादों की बारात से उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म होली में काम किया। आमिर ने फिल्म कयामत से कयामत तक में हीरो के तौर पर बॉलीवुड में साल 1988 में एंट्री की और उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही थी और उसके बाद से उनका स्टारडम शुरू हो गया। संजय दत्त, बॉलीवुड में संजू बाबा के नाम से फेमस है संजय दत्त। दिग्गज एक्टर सुनील दत्त के बेटे संजय का परिवार भी फिल्म में बैकग्राउंड का रहा। संजय ने भी बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया। संजय ने साल 1972 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। इस फिल्म में संजय कवाली आर्टिस्ट की भूमिका में थे और उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल की थी। हालांकि एक्टर के रूप में संजय ने फिल्म रॉकी से अपने करियर की शुरुआत की थी। कुणाल खेमू, बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अगर सबसे ज्यादा किसी एक्टर ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर नाम कमाया है तो वो कुणाल खेमू ही है। कुणाल ने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर के रूप में काम किया। कुणाल की चाइल्ड एक्टर के रूप में की गई कई फिल्मों में आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी और हम है राही प्यार के अलावा जख्म, भाई और दुश्मन शामिल है। आफताब शिवदासिनी, बॉलीवुड एक्टर आफताब ने भी चाइल्ड एक्टर के रूप में काम किया है। आफताब भी इन चुनिंदा एक्टर्स के लिस्ट में शामिल है। जब आफताब सिर्फ 14 महीने के थे तभी उनके कदम बॉलीवुड की दुनिया में पड़ गए थे। आफताब को उस समय एक बेबी ब्रांड एड के लिए चुना गया था। इसके बाद आफताब ने साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इसके अलावा उन्होंने चालबाज, इंसानियत जैसी फिल्मों में भी काम किया है। साल 1999 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त से आफताब ने बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। ऋषि कपूर, ऋषि कपूर ने भी बचपन में ही कैमरे का सामना कर लिया था। फिल्म श्री 420 में उन्होंने पहली बार काम किया था और फिर मेरा नाम जोकर में वो नजर आए। साल 1973 में फिल्म बॉबी से वो बॉलीवुड में बतौर हीरो लॉन्च हुए। इसके बाद वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर करीब 30 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।